सड़क पर हेलीकॉप्टर करा दिया लैंड, लोग घर से निकले तो हो गए हैरान। जहां चलती थी साइकिल और बाइक, वहां खड़ा कर दी उड़न खटोला। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं थी, सड़क पर हेलीकॉप्टर देख लोग खुश। फिल्मों में हेलीकॉप्टर से स्टंट आपने देखे होंगे, किसी फिल्म में हीरो हेलीकॉप्टर को कहीं भी उतार देता है तो किसी फिल्म में हेलीकॉप्टर पर ही लड़ाई होती है, लेकिन अब यहाँ का नजारा ही कुछ अलग है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये किसी फिल्म की नहीं और ना ही किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस हेलीकॉप्टर में कोई हीरो नहीं है और ना ही कोई विलन। हेलीकॉप्टर को आसमान का रास्ता पसंद है इसीलिए वो उड़ता है, लेकिन अब थोड़ा सब कुछ उल्टा फुलटा चल रहा है। जिस रास्ते पर इंसान टहलते हैं, जिस रास्ते से लोगों का आना जाना होता है, अगर उस रास्ते में हेलीकॉप्टर उतरने लगे तो फिर क्या कहेंगे आप। हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है जिससे वो आसानी से उतर सके। समतल हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरने की परंपरा ही लगता है अब खत्म हो जाएगी। पायलट जहां चाहेगा वहां हेलीकॉप्टर उतार देगा। ये वीडियो तो कुछ ऐसा ही कहता है। आसमान में उड़ने वाला हेलीकॉप्टर अचानक नीचे क्यों उतर गया, वो भी एक रास्ते में जहां से लोग आते जाते हैं। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग ने आसपास के लोगों को भी हैरान कर दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि हेलीकॉप्टर यहां क्यों आया है। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर लोग आसमान में देखने लगे थे कि ऊपर से ही हेलीकॉप्टर गुजर रहा होगा, लेकिन ये हेलीकॉप्टर गुजर नहीं रहा था बल्कि नीचे उतर रहा था। तो लोगों ने सोचा कि शायद कम ऊंचाई पर चलना चाहता होगा, लेकिन पायलट ने ऐसा भी नहीं किया। हेलीकॉप्टर को ज़मीन पर उतार लैंड करा देता है। देखने वाले लोग देखते ही रह जाते हैं। लोगों को लगता है अमिताभ बच्चन की फिल्म कभी खुशी कभी गम की तरह शाहरुख खान जिस हेलीकॉप्टर से आते हैं, क्या वही हेलीकॉप्टर है क्या जो घर के सामने ही लैंड करा दिया। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो नजारा ही बदल चुका था, पूरा का पूरा माजरा साफ हो गया। अब ज्यादा चिंता में मत रहिए, हम बताते हैं पूरा मामला क्या है और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे वजह क्या है। ये तस्वीर उत्तराखंड की है। गुप्त काशी से ट्रांस भारत एविएशन के हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरी। केदारनाथ में हेलीपैड से कुछ पहले अचानक मौसम खराब हो गया, देखते ही देखते रामबाड़ा से लेकर केदारनाथ धाम तक धुंध छा गई, विजिबिलिटी ना के बराबर हो गई। पायलट ने आनंद फानंद में सूझबूझ दिखाते हुए केदारनाथ धाम के पुराने यात्रा मार्ग पर गरुड़ चट्टी के निकट हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग करवा दी। केदारनाथ में खराब मौसम में उड़ान भरने के चलते हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। केदारनाथ धाम में मौसम बदल रहा है, केदारनाथ में कोहरा छाया हुआ है, इसके बाद भी ट्रांस भारत के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, जिसके कुछ देर बाद केदारनाथ पुराने पैदल मार्ग पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। ट्रांस भारत कंपनी का यह हेलीकॉप्टर 5 तीर्थयात्रियों को लेकर केदारनाथ धाम की ओर जा रहा था। ट्रांस भारत कंपनी के हेलीकॉप्टर ने गुप्त काशी से उड़ान भरी, जिसके कुछ देर बाद खराब मौसम और एहतियात को देखते हुए हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। पैदल रास्ता काफी चौड़ा है जिसके कारण हेलीकॉप्टर सुरक्षित लैंड हो पाया। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित सभी यात्री सुरक्षित हैं। केदारनाथ का मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। पिछले साल भी यात्रा के अंतिम चरण में आयरन एविएशन का हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्त काशी जाते समय गरुड़ चट्टी में क्रैश हो गया था। इस हादसे में पायलट समेत 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई।